क्या इसराइल अब ईरान पर हमला करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल ने पहले हमास को निशाना बनाया, फिर हिजबुल्ला पर जबरदस्त हमले किए, तो क्या अब अगला नंबर ईरान का है? इसराइल को जानकारी मिली थी कि हिजबुल्ला उस पर 6000 मिसाइल से हमला करने जा रहा है, तो इसराइल ने हिजबुल्ला पर जोरदार हमला बोल दिया। हम आपको दिखाते हैं पिछले 48 घंटों में कैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी है जबरदस्त जंग। हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध, इसराइल में 48 घंटे इमरजेंसी। पिछले 24 घंटे में गाजा युद्ध अब लेबनान युद्ध में बदल चुका है। इसराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच इतनी भीषण जंग हो रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एक दूसरे पर भीषण हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सबसे ताजा खबर यही है कि इसराइल ने जहां दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को तबाह और बर्बाद कर डाला है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में मौजूद इसराइल के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों कत्यूशा रॉकेट दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस भयानक हमले का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसराइल में 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है और इस वक्त पूरी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कमांडर शुरू। इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सुबह 5 बजे इजरायल पर हजारों रॉकेट से हमला करने का प्लान बनाया था, जिसके खिलाफ इसराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह ने भी डंके की चोट पर कहा कि उसने अपने टॉप कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इस वक्त हिजबुल्लाह किस तरह से उत्तरी इसराइल पर भीषण हमले कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सुबह 5 बजे इसराइल को दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। 40 एयर स्ट्राइक से 1000 अड्डे तबाह। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि इसराइल ने हिजबुल्लाह पर कब और कहां हमले किए। इजरायली सेना का दावा है इसराइल के कमांड सेंटर से हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के सभी अड्डे दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर बड़ा हमला करने जा रहे थे। दावा किया गया कि IDF के लड़ाकू जेट F-35 से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। दावा किया गया कि इसराइल के जबरदस्त हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए हैं, जिसमें सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इसराइल का यहां तक दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल डिपो को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आप जरा इस वीडियो को देखिए जो 25 अगस्त का है। इस वीडियो में PM नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के टॉप कमांडर मौजूद हैं। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक के दौरान ये वीडियो बनाया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू के पीछे कई TV स्क्रीन लगी हैं, जिसमें इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। इस टॉप मीटिंग में मौजूद सभी के चेहरे बेहद गंभीर दिख रहे हैं। 25 सेकंड के इस वीडियो को इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה
הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. इजराइल की एयर स्ट्राइक बेहद घातक थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जबरदस्त पलटवार उत्तरी इजराइल में किया है। आप भी जान लीजिए हिजबुल्लाह इजराइल से कैसे बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने 320 कत्यूशा रॉकेट से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 15 से ज्यादा इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का यह हमला इतना घातक था कि इजराइल का आयरन डोम भी कई कत्यूशा रॉकेट को तबाह नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट से भारी तबाही हुई है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। 100 जेट ने तबाह किए 6000 कत्यूशा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले के बाद से ही लेबनान से लगे इजरायली इलाके में लगातार सायरनों की आवाज गूंज रही है। इजरायली सेना ने इस हमले के बाद पूरे इजरायल में इमरजेंसी लागू कर दी है। अब आप ये भी जान लीजिए इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच जंग पर क्या दावे किए गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह सुबह 5 बजे 6000 रॉकेट और मिसाइल से उत्तरी इजरायल पर हमला करने जा रहा था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हिजबुल्लाह इजरायल के टीएलवी पर सुबह 5 बजे हवाई हमले करने जा रहा था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके 100 लड़ाकू जेट ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों अड्डों को तबाह कर डाला है। आईडीएफ का यह भी दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 210 कत्यूशा रॉकेट और 20 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। आईडीएफ प्रवक्ता ने दावा किया है कि इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड और 6000 रॉकेट और लड़ाकू ड्रोन तबाह कर दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि उसने इजराइल से अपने कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के रामोत नफ्ताली में एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अगले 48 घंटों के लिए इजराइल में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। Short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने दो टूक कहा है कि आप हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होते रहेंगे। ईरान की शैतानी धुरी बन चुके हिजबुल्लाह को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह का इरादा उत्तरी और मध्य इजराइल में लक्ष्यों को निशाना बनाना था, लेकिन हमारी सेना ने उसे रोक दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि इजरायली सेना अगले 48 घंटे तक दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करते रहेगी। इजरायली सेना के एक वीडियो में इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली अपने टॉप कमांडर्स के साथ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि ये वीडियो इजरायल की राजधानी तेल अवीब में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का है, जहां से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों पर नजर रखी जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया गया था, तो उसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दक्षिणी लेबनान से हमले शुरू कर दिए थे।